आपको दिखाते हैं पटियाला का जो रेलवे स्टेशन है वहां पर आपको लेके चलते हैं, बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। हेलो गाइस, ये जो आप रेलवे का इंजन देख रहे हैं, जो पुराने समय का जो कोयले से चलता था जो इंजन, जो कि इसके अंदर कोयला जलाया जाता था फिर जो दौड़ता था पटरियों के ऊपर, लेकिन आज जो पटियाला के अंदर एक रेलवे स्टेशन की छान बना हुआ है, जो आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल इंजन है। अगर आज इसके अंदर कोयला डाला जाए तो ये चल पड़ेगा, जो इंजन जे मजबूत देख सकते हैं उस समय का इंजन बना हुआ है। और भी आपको इसकी छान और दिखाते हैं इसका नजारा। ये तुसी देख ही सकते हो जो कि एक पुराने समय दे विच जो रेल चली सी तां वो कोयले दे नाल चलदी सी, इस तरह का इंजन हुंदा सी जो तुसी साडे पिछे देख सकते हो। और ये पुराने तरीके का जो इंजन है जो एक बार रख्या होया, जो कि यह दर्शाता कि इत्थे रेलवे स्टेशन है जो कि तुसी देख सकते हो साडे पिछे। जो ये रेलवे स्टेशन है जो साडे पिछे है, इत्थों दी अंदर दा रास्ता जांदा है, तुसी देख सकते हो। लेकिन ये बहुत ही सोहना लग्या सानू देख के, जो कि पुराने समय का जो इंजन बाहर एक कलर वगैरह करके उन्हें नवे तरीके दे नाल रख्या होया है, तुसी देख सकते हो। जे आप देख सकते हैं कि ये पटियाला के रेलवे स्टेशन की शान बना हुआ है। सोनू इस दे दूजे पासे लैके चलदे हैं, जो कि मैं सोनू दिखाउना इस दा नज़ारा, जो कि उस तो बाद अगर सानू अंदर जाने की परमिशन मिली सानू अंदर का भी नज़ारा दिखावे किहो जिहा है। लेकिन सानू इस दे दूसरी साइड जाके इस दा दिखाउने नज़ारा। असी आ हुण फाइनली असी दूजे पासे आ चुके हैं, जो कि यह रेलवे स्टेशन है जो साढ़े पिछे देख सकते हैं, अंदर जाने की एंट्री है। लेकिन असी सानू इंजन इसका दिखाने, जो कि दूसरे साइड पासे का इंजन है, ये बैक साइड देख सकते हो किस तरह का होंदा सी। लेकिन यदि हुक भी तुसी देख सकते हो किस तरह की है, जो समय दे विच हुंदी सी। जे जो आप देख सकते हैं कि ये इस समय का जो इंजन है, इसकी हुक वगैरह आप देख सकते हैं कैसे जे शानदार डिजाइन क्या लोहे से बना हुआ है। और ये ओरिजिनल इंजन है जो आप देख रहे हैं, आपको जहां ड्राइवर जो इसका स्टेयरिंग भी आप देख सकते हैं, वो इसका स्टेयरिंग है जो कि तब उस समय पटरियों के जो टायरों को इधर लेफ्ट या राइट जाने के लिए दूसरी पटरी या चेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी जगह होती थी ड्राइवर के लिए, जो कि इसके अंदर खड़ा होकर रहना पड़ता था और इसके अंदर कोयला डालकर इसे जलाकर इसके अंदर आग फिर जे चला करता था। आप देख सकते हैं इसकी शान शौकत, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब हम चलते हैं आगे की ओर, जो कि हम अंदर की ओर गए, लेकिन हमें जो कि हमें अंदर रेल वगैरह और कुछ वगैरह नहीं आई थी, लेकिन वहां पर एक इंजन खड़ा हुआ था, वो आपको दिखाते हैं। जो आप सामने देखें वहां पर फ्लैट है, जो कि वहां पर स्टेशन है, वो आप देख सकते हैं वहां पर सवारी वगैरह बैठी हुई है। लेकिन मैं बाहर था वहां से, यहाँ पर रेल रुक जाती आकर, यहाँ पर वो वर्कशॉप भी है जो कि रेलवे इंजन का जो काम यहाँ पर किया जाता है। और आप देख सकते हैं वो आगे वहां पर क्या सुंदरता यहाँ पर बनी हुई है। और आगे की ओर आपको लेके चलते हैं एक जगह और, जो कि रेलवे स्टेशन के पास ही है वहां। हेलो गाइस, सुनो एक और दिखाने हैं, जो कि इतने परौंठा मार्केट है पटियाले के अंदर, जो कि रेलवे स्टेशन के कोल है, सुन दिखाने और भी लेके चलते हैं। हेलो गाइस, जो ये आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी परौंठा मार्केट है, जो आप देख सकते हैं जो कि जे पटियाला के अंदर जे मशहूर हुआ करती थी, दूर दूर से लोग यहाँ पर परोठे खाने के लिए आया करते थे। लेकिन आज वो इतनी फेमस नहीं रही, लेकिन अब भी ये परोठा मार्केट के नाम से ही जानी जाती है, जो कि पटियाला के रेलवे स्टेशन के पास ही है, जो कि पटियाला के अंदर जहाँ पर रेलवे स्टेशन है उसके पास है ये परौंठा मार्केट बसती है, जो कि ये पूरी की पूरी ये परौंठा मार्केट है, जो कि यहाँ पर परौंठा 20 रुपये का परौंठा, 30 रुपये का ये ऐसे मिलता है। कैसी हेलो दोस्तों, कैसी लगी ये हमारी वीडियो आपको, और जो हम पटियाला के अंदर जो रेलवे स्टेशन की हमने वीडियो ब्लॉग बनाया था, कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।